अम्मा गई। तो जा रहे हैं ना आप? क्यों जाए? ताकि अनीता और वासुदेव इज्जत उतारे हमारी, नीचे दिखाए हमें। आज के दिन ये सब भूल जाइए जी। अम्मा जी को अग्नि देना आपका धर्म है और हक भी। नाम का हक है हमारा। ऐसा ना सोचिए जी, हक होने से मिलता नहीं है, हक तो जताना पड़ता है और जो जरूरत पड़े तो छीनना भी पड़ता है, वरना इस एक हक के साथ बाकी के सारे हक भी छीन सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? छत्तीसगढ़ के जगदीशपुर की निवासी नर्मदा साहू चल बसी थी, लेकिन उनका बेटा दिनेश साहू उनके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो रहा था। दिनेश साहू के दिल में अपनी मां की मौत के दुख से ज्यादा अपनी बहन अनीता गौर के प्रति शिकवा था। इस शिकवे ने, इस गुस्से ने दिनेश साहू में एक बड़ा अजीब सा भय पैदा किया था। आखिरकार शिकवे का यह बीज बोया कब गया था? और अब सवाल यह था कि बैर और गुस्से का यह पेड़ कितना बड़ा होने जा रहा था। डॉक्टर साहब, वरना कैसी है हमारा बच्चा? दिनेश जी, लड़का हुआ है, लेकिन माफ कीजिए, हम वंदना जी को नहीं बचा पाए। है नहीं हो सकता। देखिए, खून बहुत बह चुका था और खतरे के बारे में हम सबको पता ही था, आखिरकार सिजरिन यानी ऑपरेशन करना पड़ा। दिनेश, क्या है? हमें पता है बेटा, तुम्हारा दिल नहीं है, फिर भी बच्चे का नामकरण तो होगा ही ना। देख, घर के लोग ही रहेंगे, छोटी सी पूजा होगी। अरे, हमने कोई नाम वाम नहीं देना, हमने तो इसकी शकल तक नहीं देखनी। ऐसी बात मत कर, ये तेरा बच्चा है, ये मासूम बच्चा वंदना की मौत का जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है? हम? जो भाग में लिखा हुआ होता है ना, वही होता है। तो ही है मेरी वंदना का भाग, वंदना का भाग उसे खा गया, मनहूस करेगा। दिनेश, दिनेश भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है, इस बच्चे का क्या कसूर है इसमें? अम्मा जी, अगर आप चाहें तो हम एक बार बात करें दिनेश भाई साहब से। ना ना दामाद जी, कम से कम आप बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, कहीं उल्टा सीधा बोल दिया तो। नामकरण का क्या सोचा अम्मा? मैंने नाम सोच लिया, प्रसाद, प्रसाद साहू, मेरा पोता प्रसाद। दिनेश मामा कैसे आ सकते हैं? इतना सब जो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अरे दिनेश भैया के बिना अम्मा जी का दाह संस्कार कैसे हो सकता है? बाबा, माँ कह रही थी दादी माँ नहीं रही। न्योता भेजा अंतिम संस्कार का। अरे, अपनी माँ को अग्नि हम ही दे सके, हमारा हक है। हमारा हक किसी के न्योते का मोहताज नहीं है। दिनेश, थूक दे गुस्सा, प्रसाद को तेरी जरूरत है और आगे भी तू ही इसका सब कुछ होगा। मैं रहूँ या ना रहो, इसे पढ़ाना है, पाल पोस कर बड़ा करना है, इसकी शादी करानी है। हम शादी कर रहे हैं, हमारा एक दोस्त है, उसकी जान पहचान में एक लड़की है, तो उनके माँ बाप से भी बात हो गई है, हम भी मिले हैं उससे। जयश्री नाम है, पसंद है हमें। उसे पता है तुम्हारी शादी हुई थी पहले, एक बच्चा है। जयश्री, जयश्री, कब से बुला रही हूँ? एक घंटा हो गया, प्रसाद के लिए दूध लाने के लिए बोला था।
अम्मा जी, इस बच्चे की जिम्मेदारी आपने ली है, पूरी की पूरी आप ही उठाई है। ये बच्चा दिनेश का है तो तुम्हारा भी हुआ। बिल्कुल नहीं, हमने कभी नहीं कहा था कि हम इस बच्चे को अपनाएंगे। जब हमारे पति अपनी पहली बीवी से हुए इस बच्चे का बाप नहीं बनना चाहते तो हम माँ काहे बने। हमें लगा था दिनेश की दूसरी शादी होगी तो सबका भला होगा, बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और दिनेश भी बच्चे को अपनाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जयश्री बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं और दिनेश दिन ब दिन प्रसाद से दूर जा रहा है। अनीता सोचो, अगर आज ये हाल है तो उनका खुद का बच्चा होगा तो क्या होगा। ला ला, ये है हमारा बेटा, हमारा असली खून। गौरव नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, हमारा पहला बेटा गौरव। गौरव दिनेश साहू। गौरव दिनेश का दूसरा बेटा था, लेकिन दिनेश अपनी पहली शादी से हुए पहले बेटे प्रसाद को अपना बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। दरअसल गौरव के आने के बाद दिनेश साहू प्रसाद से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था और अपनी माँ नर्मदा से भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नर्मदा के लिए अपने ही बेटे और बहू के साथ घर में रहना मुश्किल होता गया। अम्मा हमारे साथ यहाँ आकर रहने से इनकार कर रही है, कहती है वही उनका घर है जो हमारे बाबा ने बनाया था, कहती है उस घर पर हक है उनका। हक तो है अनीता, पर इस हक को लेकर सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इसकी मांग सिर्फ तब होती है जब हमारे अपनों के बीच अनबन होती है। जब सभी लोग प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तब हक की बात कोई नहीं करता। अम्मा जी, आप जो प्रसाद के लिए दुनिया भर की खुशियां ढूंढ रही हैं ना, वो बाहर दुनिया में ही मिलेंगी। मतलब तुम हमें घर से बाहर जाने के लिए बोल रही हो, घर से बाहर निकल रही हो? तो क्या गलत बोल रहे हैं आप? जो चाहती हैं वो ना होगा हमसे। जयश्री बिल्कुल सही कह रही है, हम बाबूजी के इकलौते बेटे हैं, ये घर हमारा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे पति थे ये शायद तुम भूल गए हो, इस घर पर मेरा भी हक है, इसलिए तुम दोनों मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अम्मा जी, इसका मतलब आप हमें घर से निकाल रही हैं? ये हमारे और हमारे बेटे के बीच की बात है, तुम ना बोलो तो ही अच्छा है। वैसे सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। आग तो अनीता की लगाई हुई है अम्मा, हमें सब पता है, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब है मत समझो हमें कुछ नहीं पता। उसी की जुबान बोल रही हो ना, होगी वो पंचायत वंचायत की सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर अपनी गंदी राजनीति चला। उसे कहो अपनी गंदी राजनीति अपने दफ्तर ही रखे, यहाँ की एक ईंट पर भी उसका हक नहीं। वो इस घर की कभी बेटी थी, हमने दे दबा के उसको विदा कर दिया, उसको कहो इस घर पर नजर भी ना रखे। अभी ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो तुम दोनों जाओगे। अम्मा जी ऐसा बोलेंगी, हमने कभी सोचा भी ना था। अम्मा नहीं बोल रही है जयश्री, अनीता बोल रही है। अनीता अम्मा को कठपुतली की तरह नचा रही है और उसकी डोर वासुदेव के हाथ में, वो हमारा सब कुछ हड़पना चाहता है। और आप प्रसाद की बात भूल रहे हैं, इतना याद रखिएगा, हम अपने खून से लिख कर दे सकते हैं आपको, जब तक अम्मा जी प्रसाद की परवरिश कर रही है ना तब तक उसका हक, उसका ये उसका वो कहते कहते सब कुछ हड़प लेंगी, जो आपके हिस्से का है वो भी हड़प लेंगी, और फिर हमारे गौरव के हिस्से का हक भी। वो तो हम होने नहीं देंगे। अम्मा ये तुम्हारी उम्र है ये सब झेलने की, और प्रसाद भी ऐसा कब तक रहेगा? हमें नहीं पता नीता, बस इतना जानती हूँ जिंदगी भर दिनेश अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको अकल भी कैसे आएगी। उसकी पत्नी जयश्री उसके दिल में जहर भरती है। अम्मा उन दोनों को अपना समझ लेने दो, तुम बस हमारे साथ हमारे घर चलो, प्रसाद को हम दोनों मिलकर पालेंगे, हम और वासुदेव। अम्मा जैसे रितेश और प्रीति हमारे बच्चे हैं वैसे ही प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा होगा, हमने बात कर ली है वासुदेव से, वो भी राजी है। कोई बेटी के घर ऐसे रहता है? और प्रसाद अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा, वो इस घर का वारिस है। हाँ लेकिन वो तो बात की बात है ना अम्मा,
ऐसी माहौल में प्रसाद नहीं पल सकता। और ये क्या बेटी का घर रट लगाई हुई हो? ये सब दकियानुसी बातें हैं अम्मा। आज की तारीख में तुम्हारी बेटी पंचायत की सदस्य है। कभी सोचा था ये दिन देखोगी? जमाना बदल गया है अम्मा। काश तेरे भैया का दिल बदलता, वो प्रसाद को अपना लेता, उसको अपना हक देता। इस वक्त हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं अम्मा, बेटी होने का हक। जैसे दिनेश भैया का तुम पर हक है, वैसे हमारा भी है। अम्मा, हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हें खुश रखें। हमारा भी हक बनता है कि हम तुम्हारा देखभाल करें जिंदगी भर। देखो अनीता, अगर अम्मा जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो एक रास्ता है, वो हमारे साथ नहीं पर हमारे पास तो रह सकती है। भाई सामान जरा उतार देना, लेकिन धीरे से। आइए अम्मा जी, आराम से हाथ दे दीजिए। अम्मा जी, हम एक ही घर में तो नहीं होंगे, फिर भी एक साथ ही रहेंगे। आप यहां से आवाज देंगी तो अनीता और मैं वहां सुन लेंगे। और हाँ, आ जा बच्चा, नहीं रोते नहीं। अम्मा जी, आज से प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा रहेगा, वो आप ही के साथ, पर माँ बाप होंगे हम। अम्मा जी घर छोड़कर चली गई। क्या, कहाँ चली गई? वो अनीता और वासुदेव के साथ चली गई। जरूर उनकी चाल है। अरे अब क्या चाल चलेंगे, अम्मा जी खुद अपनी मर्जी से गई है। भाई दिनेश, मैंने सारे रिकॉर्ड तीन तीन बार चेक किया है। तुम्हारी कोठी, तुम्हारे खेत, सब कुछ तुम्हारे बाबूजी के नाम पे ही है। मतलब हमारा है ना? हाँ भाई, पिताजी के जायदाद में पहला हक तो बेटे का ही होता है ना। एक बात बताओ प्रदीप भैया, इस जगदीशपुर में पहले पंचायत में सिर्फ मर्द होते थे, अब औरतों के लिए भी जगह हो गई है, तो हमारी जायदाद के लिए तो नहीं हो सकता कहीं? जो मेरा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन अनीता हिस्सा मांग ले। देखो भाई, ये सब जो है कानूनी बातें, मेरा काम है सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर पे अमल करना। हम कौन सा ऑर्डर बदलने को कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ऐसा। देख भाई दिनेश, हक जो है ना अदालत साबित करती है, जताने को कोई भी जता सकता है, कोई भी दावा कर सकता है। मतलब तो जो हमारा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन हिस्सा मांग सकती है? यदि अम्मा जी चाहें तो अनीता जी को एक हिस्सा मिल भी सकता है। अम्मा जी का हक ज्यादा है या हमारा? यार ये पूरा चित्रपुर और जगदीशपुर जानता है कि तुमने अम्मा जी को घर से निकाल दिया है। अरे बकवास है प्रदीप भैया, अपनी मर्जी से गई है, हमने थोड़ी ना निकाला उन्हें। घुमा फिरा के बात तो वही है ना यार, पूरा गांव अभी अनीता जी और उनके पति के रोके भी उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारे पहले बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही है वो, और बात भी सही है। जो हमारी बहन अनीता है ना, उसकी चाल सही है, चलाकी तो कोई उससे सीखे। अब इसे चाल कहो या जो भी कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज अनीता जी ही अम्मा जी की देखभाल कर रही है, और अनीता जी पंचायत की सदस्य भी है। बिल्कुल नहीं, एक बार कह दिया ना तुम तीनों से, स्कूल जाते समय कोई कुल्फी नहीं खाएगा, आते समय सोचेंगे। लेकिन बाबा, आते समय तो पिस्ता वाली खत्म हो जाती है। बाबा, हम लोग स्कूल जाने से पहले ही कुल्फी खा लेंगे और मुंह भी पोंछ लेंगे। फूफा जी, पहले छोटी वाली कुल्फी लेंगे, फिर बड़ी वाली ले देना। अब तुम तीनों है ना, चुप रहो। छोटी वाली कुल्फी खानी है तुम तीनों को। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। अरे आजकल तो तू पंचायत की हो गई है। अभी कहाँ अम्मा, 4 महीने में पंचायत की चुनाव है, इस बार तुम्हारे दामाद नहीं लड़ रहे हैं ना? क्यों? अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इज्जत करते हैं। लेकिन उनको अभी अपनी टीचरी पे ज्यादा ध्यान देना है, तो बोले अनीता इस बार तुम लड़ लो। अरे वाह, तो तू सरपंच बनेगी? अब लोगों की अगर मर्जी होगी तो जरूर बनूंगी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाऊंगी।
मेरी बेटी इतनी होशियार और होनहार कब हो गई पता ही नहीं चला। आज अगर तुम्हारे बाबा होते बहुत खुश होते। तुम तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। बस मेरे लिए इतना ही मायने रखता है। अनीता सरपंच बनी, बच्चे बड़े होने लगे, सालों बीत गए, लेकिन उस दौरान दिनेश एक बार भी अपनी मां नर्मदा या अपनी पहली शादी से हुए बेटे प्रसाद को देखने तक नहीं आया। नीता, अगर मैं यहीं से चली जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा बेटी, खुशी खुशी चली जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी अम्मा। लोग कहते हैं कि तू मेरा असली बेटा है, लेकिन मैं कहती हूँ हर माँ बाप को तेरी जैसी बेटी मिले। आप ठीक कह रही हैं, गांव में सभी कहते हैं बेटी हो तो अनीता जैसी। गांव का उद्धार एक तरफ और अम्मा जी का सम्मान एक तरफ। जब अनीता की मां नर्मदा चल बसी तब अनीता गांव की सरपंच थी और बहुत लोकप्रिय भी थी। 19 साल बीत गए थे, दिनेश ने नर्मदा और प्रसाद का मुंह तक नहीं देखा था, और अब नर्मदा का शव आंगन में पड़ा इंतजार कर रहा था कि कब दिनेश आएगा और कम से कम अपना आखिरी कर्तव्य निभाएगा। वासदेव भैया, हम और इंतजार नहीं कर सकते, नहीं आएंगे दिनेश भैया। हम भी देखते हैं हमारे बिना अंतिम संस्कार कैसे होता है। अरे माँ की चिता को अग्नि देना बेटे का ही हक होता है। अरे हमारे हक के बारे में कौन पूछ रहा है? 19 साल हो गए, एक बार भी कोई आया मिलने? उल्टा अम्मा जी की खबर भी किसी गांव वाले के हाथ भिजवा दी। देख लीजिएगा, अग्नि भी कोई और ही देगा। इकलौते बेटे हैं अम्मा बाबू जी के, बाबू जी को अग्नि हम ही दिए थे, अम्मा जी को अग्नि हम ही देंगे। हमारा अधिकार है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। दादी का अंतिम संस्कार हो गया, दादी माँ को अग्नि अनीता बुआ ने दी है और तेरवी भी वही करेंगी। इंतजार नहीं हुआ हमारा, दुनिया को बोलेंगे हम तो आए ही नहीं। अब जताएंगे सारे हक। बड़े सत्य लोग हैं, ये चाल है उनकी। पिछले 19 सालों से तुम एक ही सवाल बार बार पूछते आ रहे हो कि बाबूजी की जायदाद की कागजात में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। जब अपना खून दुश्मन हो जाता है ना भैया, संभल कर चलना पड़ता है। संभल कर कहां तक जाओगे मेरे भाई? तुम्हारे बाबूजी को गुजरे हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं और तुम्हारे माताजी को गुजरे हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं बदला है, ना कागजात ना तुम। हमारी बहन बदल गई है, चलाक लोमड़ी। अगर सच में कुछ बदला है ना तो तुम्हारे अम्मा जी की जिंदगी बदल गई, खास करके उस दिन से जिस दिन से उन्होंने अनिता जी के साथ रहना शुरू किया है। अरे वो हमारी बहन की चाल थी और अब खुद ही क्रियाकर्म करके वो इंतजार कर रही थी, हम भी कर रहे थे। कितने संदेश भेजे गए तुमको, आए नहीं तुम। लाश को घर में कब तक रखा जा सकता था भाई? और वैसे भी नर्मदा जी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी अनीता जी ही करे। अरे वो कहानी अनीता ने अम्मा जी को सिखाई थी ताकि बाबूजी की वसीयत में जो अम्मा का हिस्सा है वो उसे मिल जाए। ऐसा होता है ना, बताओ ऐसा वो कर सकती है? करने को अनीता जी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज कर रही है, तुम्हारे अम्मा जी की 13वीं की तैयारी। कल तीज नहाने की रस्म भी अदा होगी। अगर सरपंच अपनी पूरी ताकत लगाए तो कागज बदलवा सकती है ना, सही को गलत कर सकती है ना। तुम्हारी बहन सरपंच अनीता जी क्या सही करेंगी क्या गलत, ये उनकी जिंदगी है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि तुम सही जिंदगी नहीं जी रहे हो मेरे भाई। तुम्हारे अंदर अनीता जी के खिलाफ नफरत कूट कूट के भर गया है और वो नफरत तुम्हें डरा और दबा कर रखती आई है। अब ये डर तुम्हें कहां तक लेके जाएगा, तुमसे क्या करवाएगा,
मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता। कागजात बदल देगी ना अनीता? शायद बदलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि नर्मदा जी अनीता जी को बेटी के साथ साथ बेटा भी मानती थी। तीसरे दिन की रस्म को पूरा करने घर के सभी पुरुष निकल पड़े। वो नर्मदा साहू की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। दूसरी तरफ घर की औरतें अलग से तालाब के लिए निकल रही थीं। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हवा तंग थी, मानो कुछ होने वाला था। वो लोग अस्थियां बहाने जा रहे हैं, आप जा रहे हो? आज तो काफी कुछ भएगा। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रपाय शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवाय शांति, ब्रह्मा शांति। हो रही नहीं था, देख देख सबसे आगे जा। आंखों में खून उतर आया था, कोलाहल मचने जा रहा था, पर असल कोलाहल तो दिनेश साहू के मन में मचता आया था कई सालों से, जो आज खून चखने जा रहा था। इतने सालों से दिनेश एक भय एक भ्रम से घिरा था कि उसकी बहन उसकी सारी जायदाद हड़पने की फिराक में है। दिनेश के दृष्टिकोण से यह लड़ाई एक जंग थी, उसके हक की जंग। वासुदेव भैया जल्दी चलिए, वहां सरपंच जी पे हमला हुआ है। क्या? किस औरतों के साथ यहाँ पे आने के लिए निकली थी, तभी दिनेश भैया उनके लड़के गौरव ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, चाकू भी था, बहुत खून बह रहा है सरपंच जी का। जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं सरपंच जी और उनकी बेटी प्रीति को, साहब बहुत बेरहमी से काटा, बहुत खून बह रहा था। आप सभी ने देखा हमलावरों को? साहब सरपंच जी का भाई दिनेश और उसका बेटा गौरव था, दिनेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी और गौरव के हाथ में चाकू था। साहब हम तो तालाब की तरफ जा रहे थे साहब, पता नहीं कहां से अचानक बाप और बेटे आ गए, ना कुछ बोला ना कुछ कहा, सीधे हमला कर दिया अनीता जी पर। अनीता प्रीति कहां? जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं दोनों को। लेकिन ये आप वासुदेव गौरव, अनीता गौर के पति? जी साहब, ये दिनेश और गौरव ने हम पर भी हमला किया, वो हमारे लिए घात लगाए बैठे थे रास्ते पर हथियार लेकर, जब हमने गाड़ी नहीं रोकी तो गाड़ी पर भी पथराव किया उन लोगों ने। कहाँ हुआ पथराव? ये इसी रास्ते पर। नावे जंगल में फैल जाते हैं इससे पहले कि वो लोग इलाका पार कर जाए। और सर मैं एक टीम दिनेश साहू के घर भेज देता हूँ, शायद वहां से कहीं और भागने का प्लान हो उसका। मूव। सर मैं उसे क्यों भड़काऊंगा, इससे मेरा क्या फायदा होता? वो 19 साल से इसी दर्द में जी रहा था कि अनीता जी एक न एक दिन उसकी जमीन और उसकी कोठी अपने नाम कर लेगी। लेकिन उसने तो कहा कि तुमने उससे कहा कि वो ऐसा करने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में ना एक वहम बैठ गया था। तो तुमने कभी उसको डराया नहीं, कभी आगाह नहीं किया कि वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं सर, और फर्ज कीजिए मैंने कभी कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा तो क्या एक आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसे सच मान के अपनी बहन की हत्या कर दे? सर कोई पागल बाप ही होगा जो खुद की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दे और अपने बेटे की भी। क्यों किया तुमने ऐसा?
करना पड़ा। अम्मा को अग्नि देने का हक छीन लिया था हमसे, बैठे बैठे जायदाद मिल जाती उसे। अरे ऐसे कैसे मिल जाती उसे जायदाद, सब कुछ तो हमार ही था ना। अम्मा जी के जाने के बाद तुम्हारा हो जाता और तुम्हारे जाने के बाद हमारे गौरव को। लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया, खुद तो डूबे हमारे गौरव को भी ले डूबे। दिनेश साहू और उसके बेटे गौरव साहू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस हत्याकांड ने सारे गांव को झकझोड़ कर रख दिया। अनीता गांव की सरपंच थी और इस गांव के हर घर से उसका रिश्ता था। अनीता ने गांव के उद्धार के लिए भरपूर मेहनत की थी और साथ ही ना सिर्फ उसने अपनी फैमिली की देखभाल की बल्कि अपने भाई की पहली पत्नी वंदना से हुए बेटे प्रसाद को भी अपने बेटे की तरह पाला और अपनी बूढ़ी माँ की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। दूसरी ओर दिनेश एक ऐसे डर और वहम का शिकार था जिसका कोई आधार नहीं था। अपने हक को लेकर तो दिनेश काफी उत्तेजित हो जाता था लेकिन वही जोश उसने अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी नहीं दिखाया। 19 सालों में दिनेश अपनी माँ और अपने पहले बेटे प्रसाद को देखने कभी नहीं आया और इस बात का गवाह पूरा गाँव था। और अब इतना बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं था। बड़े दुख की बात है कि अनीता गौर को इस तरह अपने भाई के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी गिले शिकवे, गुस्सा, जलन, मनमुटाव, ये सारी भावनाएं लंबे अरसे तक छुपाई जा सकती हैं। ये भावनाएं आपको ऐसी यातनाएं दे सकती हैं कि जिनके सामने बाहर की दुनिया द्वारा दिया गया दर्द, तकलीफ, टेंशन बहुत ही फीका लगने लगता है। अक्सर हमारे प्रोफेशनल फील्ड के उतार चढ़ाव या वहां के लोगों के साथ अनबन का सामना करना आसान होता है लेकिन पारिवारिक झगड़ों को सहन करना असहाय हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.